Hey class, today we'll be discuss about the pineal gland. And you know very well, the pineal gland is one of the endocrine gland present in human body, right? Actually, pineal gland is called the smallest, S-M-A-L-L-E-S-T, smallest endocrine gland. ठीक है बेटा, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो उसका आंसर क्या है, आपका पीनियल ग्लैंड। अब स्मॉलेस्ट ग्लैंड तो बोल दिया, पर इसका स्मॉल बोले तो कितना स्मॉल है, ये इसका अगर मास को पता करेंगे कि इसका वेट कितना है, मास कितना है, तो हमको पता चलेगा एक्चुअली कितना छोटा है ये पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और ये पीनियल ग्लैंड इतना छोटा हो के भी मतलब कितना दमदार काम करता है, तो एक्चुअली मास ऑफ पीनियल ग्लैंड इज ओनली 0.1 to 0.2 ग्राम। ठीक है, ये सोचिए फिर कितना छोटा है, एक ग्राम भी नहीं है, एक ग्राम का 10 हिस्से का एक या दो हिस्सा ही क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, कौन बताइए, ये पीनियल ग्लैंड। एंड द पीनियल ग्लैंड इज एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टो डर्मल ओरिजिन। ठीक है बेटा, क्योंकि अपना बॉडी जो है, हमारा बॉडी में तीन जर्म लेयर रहता है, द एक्टोडर्म आउटर, मेसोडर्म मिडिल एंड द एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्मल जो टिश्यू है वहां से क्या होता है, पीनियल ग्लैंड का क्या होता है बताइए, ओरिजिन होता है। तो अब ये पता करेंगे वेयर इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ पीनियल ग्लैंड इन आवर ब्रेन। एक्चुअली पीनियल ग्लैंड कहाँ पर पाए जाते हैं बताइए, ये पाए जाते हैं अपना ब्रेन में, ब्रेन में पाए जाते हैं। पर ब्रेन का कौन सा लेयर में, कौन सा हिस्से में पीनियल ग्लैंड को पाए जाते हैं बताइए, इट इज एक्चुअली सिचुएटेड और लोकेटेड डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो बेटा फोर ब्रेन को मैंने FB से लिख दिया, FB स्टैंड फॉर फेसबुक नहीं है, फोर ब्रेन है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब देखते हैं वेयर इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ पीनियल ग्लैंड। फोर ब्रेन में डॉर्सल साइड में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड का पोजिशन है। तो एक्चुअली ये हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली समझेंगे एक्चुअली फोर ब्रेन का डॉर्सल साइड बोले तो कौन सा जगह एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है पीनियल ग्लैंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक ड्राइंग बनाया, ये तो आप अभी एक्सपर्ट हो गया ये ड्राइंग देख के, ये कौन सा पार्ट है बताइए, फोर ब्रेन का, ये फोर ब्रेन का डायन्सेफलॉन का पार्ट है, एक्चुअली इसको बोलेंगे थैलामस, क्या बोलेंगे बेटा, थैलामस। ठीक है, तो फोर ब्रेन को ऐसे ऊपर से हमने अगर कट कर लिया तो थैलामस क्या है, जस्ट के बॉल शेपेड स्ट्रक्चर, नॉट बॉल शेपेड, थोड़ा सा लंबा है, मैं बस जस्ट थियोरेटिकली ऐसे पुट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये थैलामस ऊपर से आधा कट गया, और ये थैलामस कहाँ पर है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, फोर ब्रेन का डायन्सेफलन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो थैलामस के पीछे से एक्चुअली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रन करता है, बड़ा ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। ठीक है, ये अपना बॉडी का बहुत सारा मतलब फंक्शन मेंटेन करता है। तो ये जो एरिया है एक्चुअली इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और ये जो स्ट्रक्चर है आधा काटा हुआ बॉल शेपेड, इसका नाम है थैलेमस, थैलामस। तो थैलामस के पीछे जस्ट बैक साइड में कौन है बताइए, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के नीचे से यहाँ पर एक बड़ा ही और एक अनोखा ग्लैंड क्या होता है, फॉर्म होता है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, PITUITRI, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्चुअली मास्टर ग्लैंड भी बोला जाएगा। तो हम अभी फोकस करते हैं पीनियल ग्लैंड पे। ठीक है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड दिखाने से पहले तो कुछ आजू बाजू का स्ट्रक्चर दिखाना जरूरी था, क्योंकि फोर ब्रेन इज नॉट ए जोक। ठीक है, फोर ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा होता है, बहुत सारा लेयर होता है जो हमको समझ के लेना है। तो फोर ब्रेन का ये कौन सा पार्ट मैंने ड्रॉ किया, डायन्सेफलॉन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू NCERT हमने मतलब लिखा कि जब पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड और लोकेटेड द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, तो ये फोर ब्रेन ही ड्रॉ किया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो मैंने थैलामस ड्रॉ किया ना,
तो थैलामस के जो आगे का सरफेस ये जगह से एक्चुअली एंटर करता है एक फ्लूइड फील्ड कैविटी, ठीक है, यहाँ से एंटर करता है एक फ्लूइड फील्ड कैविटी दो थैलामस के बीच में से, और हाइपोथैलेमस को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये एक फ्लूइड फील्ड कैविटी है, इसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल। क्या नाम है बेटा? यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ना, इसका बेस में से प्रोट्रूड आउट हुआ अपना पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ किया कि आपको समझ में आए, ये जो आपका थर्ड वेंट्रिकल का बेस है, उसका बेस में से ऐसे प्रोट्रूड आउट हुआ, प्रोजेक्ट आउट हुआ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है एक्चुअली आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है कौन बताइए? और ब्यूटीफुल पीनियल ग्लैंड। और आप जानते हैं कि हम सोने जाने के पहले अपना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या मॉम डैड को क्या बोलते हैं? गुड नाइट मॉम, हैव ए स्वीट ड्रीम, और हैव ए स्वीट ड्रीम स्वीट हार्ट, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये क्या है बताइए? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्वीट ड्रीम, ठीक है, जो विश करते हैं। तो जो प्यारा प्यारा सपना आता है अपना, सपने में जो प्यारा प्यारा आता है, आपका गर्लफ्रेंड का, आपका बिलोव का जो सपना देखते हो, या आपका माँ हो सकता है, बाप हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो उसका जो प्यारा सपना देखते हो, एक्चुअली ये जस्ट मतलब ड्रीम है, ड्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्यूटिफुल गाय, दैट इज पीनियल ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं ये पीनियल ग्लैंड और क्या क्या कमाल करता है ह्यूमन बॉडी में। ये तो आपको साफ हो गया कि पीनियल ग्लैंड का पोजीशन कहाँ है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। एक्चुअली फोरब्रेन डोर्सल साइड में है, ये तो ठीक है, बट एक्चुअली इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ फोरब्रेन। क्या बताया बेटा? इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेरिब्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ फोरब्रेन, एंड इट इज प्रोट्रूड आउट या प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, फ्रॉम द प्रोट्रूड आउट और प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है बेटा। ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसका बेस में से ऐसे क्या हुआ, प्रोट्रूड आउट हुआ, ये अपना पीनियल ग्लैंड, ठीक है। एंड दिस ब्यूटीफुल टाइनी ब्यूटीफुल गाय द पीनियल ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मेलाटोनिन हार्मोन। कौन बेटा बताइए? मेलाटोनिन, ठीक। तो मेलाटोनिन बोल के एक अनोखा चैंपियन हार्मोन रिलीज हो जाएगा, कहाँ से बताइए? अपना पीनियल ग्लैंड से, ठीक। ये पीनियल ग्लैंड, दिस पीनियल ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द लविंग मेलाटोनिन हार्मोन, राइट। अब इसके अलावा इसने और क्या क्या कमाल करता है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताने का कोशिश करता हूँ, राइट बेटा। यहाँ पर और एक एमसीक्यू आपके लिए वेट कर रहा था, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। एक्चुअली क्या होता है, एट अबाउट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, एट अबाउट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और ड्यू टू एज, पीनियल ग्लैंड स्टार्ट टू कैल्सिफाई, ठीक है। जब अपना एज होने लगता है, कोई भी ह्यूमन का एज होने लगता है, कोई भी ह्यूमन मैन का कभी एज होने लगता है, जब भी वो प्यूबर्टी क्रॉस करता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये इसमें क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। क्या डिपॉजिट होने लगता है बेटा? ऐसे कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम डिपोजिशन एक्चुअली ये पीनियल ग्लैंड में होता है आफ्टर द प्यूबर्टी और ड्यू टू एज, इस घटना को क्या बोलते बताइए? द ब्रेन सैंड, ब्रेन सैंड, ठीक है, मतलब दिमाग, दिमाग का रेती, ठीक। तो दिमाग का रेती एक्चुअली क्या है बताइए? इट इज एक्चुअली द कैल्सिफिकेशन ऑफ पिनियल ग्लैंड ड्यू टू एज और ड्यू टू क्रॉस ऑफ प्यूबर्टी,
ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। अब देखिए जो पीनियल ग्लैंड है ना बेटा, पीनियल ग्लैंड कंटेन एक्चुअली टू टाइप ऑफ सेल। कितना टाइप सेल बियर करता है बेटा? इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। एक तो है पीनियल सेल, कौन सा सेल बेटा? पीनियल सेल। और एक तरह का सेल रहेगा इसमें जिसको बोलेंगे सपोर्टिंग सेल। क्या बोलेंगे बताओ? सपोर्टिंग सेल। और सपोर्टिंग सेल जो है इसको एक्चुअली बोलेंगे ग्लियल सेल, ग्लियल सेल। ठीक है, तो ये जो पीनियल सेल है ना बेटा, ये जो पीनियल सेल, एक्चुअली दिस पीनियल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन। ठीक है, ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है पीनियल ग्लैंड का, ये एक्चुअली कौन सेक्रेट करता है बताइए? द पीनियल सेल। और कुछ रहता है कौन सा सेल बताइए पीनियल ग्लैंड के अंदर? सपोर्टिंग सेल, जिसको क्या बोला जाता है? ग्लियल सेल। तो ये भी क्या करना बेटा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये कवर करना। अब हम बताएंगे पीनियल ग्लैंड का रियल फंक्शन, ठीक है, कि ये मेलाटोनिन जो है अपना शरीर पे क्या क्या इफेक्ट डालता है। मेलाटोनिन ये जो प्रिंसिपल हार्मोन जो रिलीज होता है आपका पीनियल ग्लैंड से, इट इज एक्चुअली आल्सो कॉल्ड द स्लीप हार्मोन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड स्लीप हार्मोन? बिकॉज द मेलाटोनिन प्रोमोट आवर स्लीप। ठीक है, ये अपना स्लीप को क्या करते हैं? प्रोमोट करते हैं। दूसरा बात क्या है? इट्स कंट्रोल आवर डे नाइट साइकिल और लाइट डार्क साइकिल। ठीक है, डे नाइट का जो साइकिलिंग है, जैसे कि हम रात में सो जाते हैं और दिन में जगते हैं। दिन में हम तीन बार खाना खाते हैं, रात में क्या है, जस्ट डिनर करके हम सो जाते हैं, तो दो बार हमारा रात का खाना मिस होता है। ये जो आपन का जो मतलब रिदिम है ना, ये एक्चुअली डिसाइड करा कौन बताइए? पीनियल ग्लैंड का एक हार्मोन जिसका नाम क्या है बेटा? मेलाटोनिन। एक्चुअली ये जो पीनियल ग्लैंड का एक्टिविटी है ना, ये अभी भी क्या है? अंडर रिसर्च है। ठीक है, ये अभी भी फुल्ली मतलब नोन नहीं है कि पीनियल ग्लैंड अपना बॉडी में एक्चुअली क्या का काम करता है। ठीक, तो ये जो मेलाटोनिन ये क्या का काम करेगा? ऑल्सो मेलाटोनिन कॉल्ड द स्लीप हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। एंड बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड स्लीप हार्मोन? बिकॉज इट प्रोमोट आवर स्लीप एंड कंट्रोल आवर डे नाइट साइकिल और लाइट डार्क साइकिल। ठीक है, हम रात में कैसे करेंगे, दिन में कैसे रहेंगे, ये डिसाइड कौन करता है बताइए? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, जैसे कि हम जितना रात होने के साथ साथ हमारे को नींद आता है। ठीक है, और नींद इसलिए आता है क्योंकि ड्यूरिंग द इवनिंग, ठीक है, ये जब मतलब क्या होता है बताइए, शाम होते हैं मतलब सूरज ढल जाता है, तब क्या होता है, ये समय क्या होता है, पीनियल ग्लैंड का एक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये क्या करता है? द पीनियल ग्लैंड स्टार्ट टू रिलीज द अमेजिंग हार्मोन मेलाटोनिन। ठीक है, एंड जब मेलाटोनिन रिलीज होता है जस्ट इवनिंग पीरियड में, तब क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है बेटा, हमको नींद आने लगता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि द सेक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन इज इंक्रीज अराउंड इवनिंग एंड इट इज जस्ट पीक लेवल एट मिडनाइट। ठीक, तो इसलिए रात को हमको क्या होता है, नींद आता है। ठीक है, और दूसरा इसका लेवल क्या होता है, डाउन कब होता है बताइए? जब भी देखना सूरज उठता है, तो सूरज का जब लाइट, चमकीला जो लाइट है वो हमारा आँख में आके गिरता है। ठीक है, तो अपना आँख में एक तरह का स्पेशलाइज सेल रहता है जिसका नाम मेलानोप्सिन। ठीक है, एक्चुअली इट्स दिस स्पेशलाइज सेल इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर ब्लू लाइट। ठीक है, तो ये जब ब्लू लाइट को सेंस करते हैं सूरज से आने वाला, तो क्या होता है, ये जो मेलाटोनिन है इसका लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है बताइए? डाउन होने लगता है। ठीक है, और एक्चुअली ये जब मतलब सनलाइट हमारे आंख में गिरता है, तो क्या होता है, मेलाटोनिन का लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। तो इट इज फॉल ड्यूरिंग द डे, फॉल मेलाटोनिन लेवल फॉल ड्यूरिंग ड्यूरिंग
डे एंड जस्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड इज दैट इज एट नून. ठीक है, दोपहर में क्या होता है मेलाटोनिन का लेवल सबसे क्या होता है कम हो जाता है अपना बॉडी में, इसलिए क्या होता है हमारा एक्टिविटी उस समय बड़ा ज़्यादा रहता है. ठीक है, हम सॉल्व कर पाते कॉम्प्लिकेटेड मैथ और जो भी है मतलब रिलेटेड और लाइफ रिगार्डिंग. ठीक है, तो उस समय हम ज़्यादा एक्टिव रहता है और हमारा वर्किंग आवर्स सबसे क्या होता है बताइए सबसे एक्टिव समय चलता है. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि द सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन लेवल, ठीक है, मेलाटोनिन का लेवल अगर अपना ब्लड में ज़्यादा रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएंगे, हम सो जाएंगे, मतलब स्लीप को क्या करेगा ये प्रमोट करेगा. और जब भी मेलाटोनिन लेवल क्या होने लगेगा घटने लगेगा अपना ब्लड में तो क्या होने लगेगा तो हम मतलब नींद से उठ जाएंगे और जो मतलब लाइफ का जो एक्टिविटी है जीवन धारण के लिए वो हम करेंगे. इसलिए ये जो लाइट डार्क साइकिल जो कंट्रोल कर रहा है ना इसी कारण क्या होता है बिकॉज ऑफ दिस लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स द पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक. क्या बोलेंगे बेटा, बायोलॉजिकल क्लॉक. ठीक है, ये जो लाइट मेडिएटेड रेस्पॉन्स है ना ये किसके वजह से होता है पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन के वजह से होता है, इसलिए पीनियल ग्लैंड को क्या बोला जाता है बताइए बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम. ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसको बोला जाता है. एक्चुअली अपना मतलब शरीर के अंदर भी क्या है क्लॉक है, घड़ी है, ये हमको बताता है. एक्चुअली ये एक मतलब स्टोरी आपको बताता हूँ. जब मैं छोटा था ना तो मैं रोज एक घटना देखा करता था. ठीक है बेटा, ये आपको इसको देख के क्या याद आ रहा है, ये क्या है बताइए. तो ये एक्चुअली ये एक ब्यूटीफुल फ्रॉग है. ठीक है, ये फ्रॉग है. तो आप बोलेंगे कि सर हर चीज़ आपको ब्यूटीफुल ही लगता है. ठीक है, एक्चुअली ये ब्यूटीफुल ही है. ठीक है, ये फ्रॉग है. तो मैं जब मतलब पढ़ाई करता था इवनिंग पीरियड में, ठीक है, तो क्या होता था मेरा मॉम जो है बाहर खाना पकाता था और मेरा भाई लोग खेलते रहते थे. तो मैं देखता था कि जो फ्रॉग है ये क्या होता है जब भी सूरज ढल जाता है 4 से 4:30 या 5 बज जाता है तो ये क्या हो जाता है मेरा जो कॉट था वो कॉट के नीचे से धीरे धीरे बाहर आता था. ठीक है, और ये मतलब उस समय क्या होता था इसका एक्टिविटी शुरू होता था. पर तभी मेरा मन में क्वेश्चन आया था कि हाउ दिस फ्रॉग नो दैट इज द इवनिंग टाइम एंड दैट इज द कलेक्शन टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ फूड. ठीक है, तो मतलब मेरे को बहुत ही परेशान करा था. बाद में मैं जब पीनियल ग्लैंड के बारे में स्टडी करा तो मुझे मालूम पड़ा कि दिस ब्यूटीफुल टाइनी फ्रॉग हैव द अमेजिंग ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एंड दिस पीनियल ग्लैंड स्टार्ट वर्किंग एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक. दिस फ्रॉग टाइनी फ्रॉग हैव ए क्लॉक. ठीक है, ही नो और शी नो अबाउट द टाइम अबाउट द सनलाइट. ठीक है, तो इसलिए ये जब इवनिंग पीरियड होता था तो ये बाहर जाता था फॉर द कलेक्शन ऑफ फूड. और जब क्या होता था मतलब सन राइज होने का है तब क्या होता था धीरे धीरे आराम से जब भी कभी कभी अगर मतलब वॉशरूम में जाता था उस समय. ठीक है, सुसु करने अगर बाहर जाता था तो क्या होता था देखता था बहुत सारा फ्रॉग क्या हो रहा है सूरज उठने के पहले ही क्या हो रहा है धीरे धीरे हॉपिंग करके मेरा कॉट के नीचे आके क्या हो रहा है जमा हो रहा है. तो ये लोग जानते थे क्योंकि ये कैसे जानते थे मतलब इसके अंदर क्या था पीनियल ग्लैंड द रियल सेंसर द रियल बायोलॉजिकल क्लॉक. ठीक है, तो इसके वजह से इनको भी पता पड़ता है कि कब शाम ढल रहा है और कब सूरज उठ रहा है ये सब बातें. ठीक है, तो ये दैट इज द लाइट मेडिएटेड रिस्पॉन्स के वजह से ये सेंस करने के वजह से क्या होता है ये पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. एक्चुअली इट्स रियली कंट्रोल आवर सर्कैडियन रिदम. क्या कंट्रोल करता है बेटा ये जो पीनियल ग्लैंड ये क्या कंट्रोल करता है अपना बॉडी में बताइए सर्कैडियन रिदम. रिदम सर्कैडियन रिदम को क्या करता है कंट्रोल करता है. एक्चुअली क्या मीनिंग होता है ये सर्कैडियन रिदम का इट इज द वेरिएशन इन 24 आवर साइकिल. सर्कैडियन रिदम क्या है बेटा वेरिएशन TION वेरिएशन इन 24 आवर साइकिल. ठीक है,
तो ये जो वेरिएशन, जैसे कि हम दिन में खाना खाते हैं, रात दिन में एक्टिविटी करते हैं, रात में सो जाते हैं, ठीक है, ये 1-2 साल में ऐसा नहीं हुआ। अपना पूर्वजों जो है, मतलब करोड़ों साल तक, मतलब लाखों साल तक ऐसे प्रैक्टिस करते करते हमारा ऐसा स्वभाव बना। इसलिए देखा देखो, हम नॉक्टर्नल भी बन सकते थे ना। हाँ, जैसे कि ये फ्रॉग है, ये नॉक्टर्नल है, बहुत सारा एनिमल जो रात में, जो जैसे कि बैट है, उल्लू है, तो ये क्या है, नॉक्टर्नल। तो इसका सर्कैडियन क्लॉक जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, इसका सेटिंग अलग है, अपना जो सर्कैडियन रिदम है ये भी अलग है। तो ये एक्चुअली डिसाइड कौन करता है बताइए, योर पीनियल ग्लैंड, ब्यूटीफुल पीनियल ग्लैंड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, मेलाटोनिन, राइट। तो ये बात बेटा ध्यान से याद रखना, ठीक। अब देखिए, जैसे कि आप एक मतलब क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। यहाँ पर मैं मान लो कि एक एक बेबी को बनाया, ठीक, ये जस्ट एक बेबी, बेबी का ऐसा नहीं बनाते। तो बेबी मैक्सिमम टाइम क्या करता है बताइए, ये जस्ट मान लो कि न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, ये एक न्यू बॉर्न बेबी, हाँ राइट, गुड, एक न्यू बॉर्न बेबी है। तो ये क्या करता है बताइए, ये दिन में देखना 22 18 आवर, 18 to 20 आवर क्या करता है बताइए, नींद लेता है, जो न्यू बॉर्न बेबी, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी। तो ऐसा क्यों होता है बताइए, वो मतलब उसका बॉडी में, इसका मतलब क्या है बताइए, मेलाटोनिन का जो लेवल है वो हाई रहता है, ठीक है। तो बेबी को रेस्टिंग का भी जरूरत है, जस्ट कभी अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी, इसका जन्म हुआ, ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएगा तो क्या होगा, शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। तो ये मैक्सिमम समय 18 to 20 आवर क्या रहता है बताइए, सो के बिताता है, ठीक है। और जब भी सोने से उठ के, जब भी पहले उठता है तो क्या होता है, ये देखना क्या होता है बताइए, बस मतलब रो पड़ता है, आ करके रो पड़ता है, ठीक है, ये रो पड़ता है, ठीक है। जबकि वो न्यू बॉर्न बेबी को ऐसा मतलब दांत नहीं होता, तो ये रो पड़ता है इसलिए क्योंकि इसको खाना खाना रहता है। तो फिर से क्या होता है, खाना खा के मतलब उठता है, फिर क्या होता है, फिर सो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्या रहता है, सर्कैडियन रिदम रहता है, क्योंकि किसका बताइए, बेबी का, क्योंकि उसका अभी अभी जन्म हुआ और उसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, सर्कैडियन रिदम जो है, अपना एनवायरनमेंट के साथ, अपना अर्थ के साथ अभी तक सेट नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम समय क्या कर रहा है, जब ये सोएगा, सोने के बाद फिर उठेगा, रोएगा, खाना खाएगा, फिर सो जाएगा, ठीक है। तो अपना अगर बायोलॉजिकल क्लॉक अगर सेट नहीं रहता था तो हम भी क्या करते थे बताइए, आधा टाइम सोते थे, आधा टाइम क्या करते थे, रोते थे, और रोने के बाद खाना खाते थे, खाना खा के सो जाते थे, ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, नेचर इज रियली रियली अमेजिंग, ठीक है। कुछ दिनों के बाद, करीबन 6 महीना अगर बीत गया, 6 month, 6 month अगर बीत गया ना, तो क्या होता है, बेबी का जो मतलब पीनियल ग्लैंड ये ठीक से सेट हो जाता है, अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम ये धीरे 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 सेट होने लगता है। तो देखना धीरे 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 बेबी का क्या होता है, एक्टिविटी बढ़ता है। एक्चुअली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिनियल ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो ये भी बात क्या करना, अब रिगार्डिंग द पिनियल ग्लैंड ये याद रखना बेटा। और दूसरा बात देखिए, ये जो पिनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन है ये क्या करता है, फिर एक एक करके और एक बार क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये क्या करता है, ये दिस पिनियल ग्लैंड कंट्रोल आवर स्लीप एंड वेक, स्लीप वेक, ठीक है, कब हम जागेंगे कब सो जाएंगे ये डिसाइड करता है पिनियल ग्लैंड। दूसरा क्या है, इट्स कंट्रोल ऑल्सो आवर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट्स इन्फ्लुएंस आवर मेटाबॉलिज्म, क्या करता है बेटा, इन्फ्लुएंस आवर मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लुएंस आवर मेटाबॉलिज्म। और दूसरा क्या है, इट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर इन्फ्लुएंस आवर पिगमेंटेशन, क्या करता है बेटा, पिगमेंटेशन, पिगमेंट TAT1, बॉडी का जो पिगमेंटेशन, कलरेशन, कौन कितना गोरा बनेगा, कौन कितना काला बनेगा, इसको भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कौन बताइए, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। दूसरा बात ये क्या करता है, इट्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल, क्या है बताइए, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल
साइकिल ऑफ फीमेल। इसके अलावा और क्या करता है बताइए, इट्स एक्चुअली डिफेंस, इंक्रीज द डिफेंस कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन, इंक्रीज द डिफेंस कैपेसिटी, डिफेंस कैपेसिटी, ठीक है। तो ये भी बात रिगार्डिंग और पीनियल ग्लैंड एंड मेलाटोनिन, ये बात बेटा क्या करना, बड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर ब्यूटिफुल पीनियल ग्लैंड एंड इट्स ऑल्सो प्रमोट आवर स्लीप, ठीक है। तो ये सारा MCQs और जो जो बात मैंने बताया, ये अगर आपने ध्यान में रखा तो कोई भी क्वेश्चन आपका क्या नहीं हो रहा है बताइए, मिस नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरा गारंटी, ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है बेटा। चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा यहाँ पर दो स्टेटमेंट और आप ऐड कर लेना, ठीक है, जस्ट आई मिस्ड इट, दैट इज द इन मैमल possibly melatonin act as an inhibitory factor for sexual maturity. Melatonin का level अगर mammals का body में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो sexual जो activity है ना, sexual जो maturity है ना, इसको क्या कर देता है, inhibit कर देता है। तो ये statement आप ध्यान से क्या करना, note down करना कि in mammals possibly बताया, क्योंकि it is also till now it is under the research, ठीक है। तो in mammals possibly melatonin act as an inhibitory factor for sexual maturity. And one more information about the pineal gland, क्या होता है बेटा, यहाँ पर अपना brain में जगह जगह पे कुछ specialized cell रहता है जो release करता है serotonin, ठीक है। Actually serotonin is a kinds of neurotransmitter. तो क्या होता है, serotonin a neurotransmitter is also found in pineal gland, ठीक है। पीनियल ग्लैंड में भी क्या पाए जाते बताइए, सेरोटोनिन बोल के जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये पाए जाते, ठीक है बेटा, ये ध्यान से याद रखना। बाय बच्चों।